वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया चैनल। सो टुडे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ पेरेंटल्स की। यस, हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं पेरेंटल्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर दी एडवांटेजेस, व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस एंड व्हाट आर दी डिफरेंट रूट्स, कौन कौन से रूट से हम पेरेंटल्स को एडमिनिस्टर करते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, ओके? एंड मैं साथ ही साथ डिस्कस करूंगा आपके कि ये जीपैट में, नाइपर में, फार्मासिस्ट में और ड्रग इंस्पेक्टर में कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए सबसे पहले हम दो तरह का क्लासिफिकेशन, दो टाइप्स का, फर्स्ट वन इज स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स एंड सेकंड वन इज योर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, ओके? सो हमें इसमें बात करना है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स, इनका नाम क्यों पड़ा एंड व्हाट आर दी डिफरेंस बिटवीन टू, कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में क्या आता है एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में क्या आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें पैरामीटर के साथ डिस्कस करने वाला हूं आपको। चलिए सबसे पहले मैं देखने वाला हूं कि हमारा स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया ने एक डेफिनेशन दी, एक स्टेटमेंट दिया कि अकॉर्डिंग टू अस स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल वो होगा जो कि वो कंटेनर होगा जिसमें 100 ml और उससे कम हमारी मेडिसिन होगी और इंजेक्शन होगा, ठीक है? पेरेंटल मींस इंजेक्शन होगा, ठीक है? मतलब क्वांटिटी हो गई इसकी 1 to 100 ml, ठीक है? याद रखिएगा 100 ml तक ही रहेगा, या तो 100 ml होगा या उससे कम होगा, वो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल की कैटेगरी में आएगा। लिखा हुआ स्टेटमेंट, एन इंजेक्शन दैट इज पैक्ड इन कंटेनर्स लेबल्ड एज कंटेनिंग 100 ml और लेस, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स, ठीक है? लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स क्या होते हैं, आप नाम से ही जान रहे, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स वो होंगे जिसकी वॉल्यूम 101 से लेके 1000 ml तक होगी। याद रखिएगा ये एक बेसिक डिफरेंस है आपका स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल में और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में, ठीक है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ स्पेसिफिकेशन कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स किस लिए बनाए जाते हैं। बेसिक, हम कुछ भी चीज बनाए, व्हाट वी आर फॉर्मुलेटिंग विद अ पर्पस, उसका एक पर्पस है। क्या पर्पस है? इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी पर्सन को अगर डिहाइड्रेशन हो गया, किसी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किसी को कैलोरीज चाहिए, तो उस कैटेगरी वो इंजेक्ट हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स की कैटेगरी में आता है, हम उसकी हेल्प से इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। सेकंड इज, बताया था मैंने ऑलरेडी, वॉल्यूम 101 से लेके 1000 ml तक होगी। थर्ड वन इज फ्लूड, फ्लूड इम्बैलेंस होने के कारण हम जब बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो हम उसमें लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स ही करते हैं, ठीक है? कैलोरीज देने के लिए हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, दैट इज डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, बहुत कॉमन। आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपके किसी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो जाती है, देन द व्हाट द डॉक्टर फर्स्ट डू, दे डू द इन्फ्यूजन वाटर, दे गिव द इन्फ्यूजन वाटर, ओके? सो ये लार्ज वॉल्यूम की कैटेगरी में आएगा, ठीक है? नाउ चलिए, अब क्लासिफिकेशन हमने मेनली पैरामीटर के अकॉर्डिंग किया है। कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग में हमने डिफाइन किया है स्मॉल वॉल्यूम को और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को। याद रखिएगा, बहुत इजी है। सबसे पहला पैरामीटर वॉल्यूम, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको दैट वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स की जो वॉल्यूम होगी वो 100 होगी और 100 से कम हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल की जो वॉल्यूम होगी वो 101 to 1000 ml होगी। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस। सेकंड इज रूट, रूट स्मॉल वॉल्यूम आईवी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम में आईवी। नाउ थर्ड वन इज डोसेज यूनिट। देखिए आईवी बहुत बेसिक है इसलिए मैंने आईवी यहां पे दी बताया है। नाउ डोसेज यूनिट, सिंगल और मल्टीपल, ये समझने की जरूरत है। जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल होंगे
हम उनको एज अ सिंगल डोसेज यूनिट भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल भी, मतलब अगर हमने एक आई ड्रॉप लिया या एक एक बॉटल ली, हम देखते हैं कि डॉक्टर एक बॉटल से 3-4 बार इंजेक्शन मेडिसिन निकालता है एक टाइम कुछ टाइम के ड्यूरेशन में, तो वो मल्टीपल डोसेज यूनिट में आ जाएगा। सिंगल डोज मतलब एक बार अगर हमने उसको इन्फ्यूज कर दिया और एक बार पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो एक सिंगल मतलब एक बार यूज करने के लिए, ठीक है। तो सिंगल डोसेज यूनिट, जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक वो जो हमें बॉटल जो इन्फ्यूजन बॉटल होती है वो हमें इन्फ्यूज करते हैं इंजेक्ट करते हैं तो वो सिंगल डोसेज यूनिट में आ जाता है, ठीक है। नाउ प्रिजर्वेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कैसे बोलेंगे कि सर कैसे आ जाएगा? देखिए प्रिजर्वेटिव हम स्मॉल वॉल्यूम में करते हैं क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम में अगर हम मल्टीपल डोज बना रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है अगर आज रख रहे हैं, आज हमने उसको बॉटल को ओपन किया तो कल वो डोज हमें शाम को भी लेनी पड़ेगी क्योंकि मल्टीपल डोसेज यूनिट है, तो कल परसों सुबह भी लेनी पड़ेगी, तो ऐसी कितनी बार यूज करेंगे तो उसमें कंटेमिनेशन चांसेस होने का यूज कारण रहता है, तो उस वजह से हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। और लार्ज वॉल्यूम में नोट यूज, लार्ज वॉल्यूम में क्यों नहीं करते अगर हम इसमें प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे? क्योंकि जो इसकी वॉल्यूम है 1012 1000 ml इसकी वॉल्यूम रहती है, तो इस हिसाब से इसमें प्रिजर्वेटिव भी ज्यादा होगा, प्रिजर्वेटिव ज्यादा यूज करना पड़ेगा। सो इस वजह से अगर प्रिजर्वेटिव ज्यादा करेंगे तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, जस्ट फोकस ऑन दीज पॉइंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज बफर, बफर यूज करते हैं हम स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स में और लार्ज वॉल्यूम में नहीं करते, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? नाउ चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन किस किस में रहता है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल? देखिए स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल आपका सॉल्यूशन में रहता है इमल्शन फॉर्म में और सस्पेंशन फॉर्म में, यहां पर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल सॉल्यूशन फॉर्म में O/W न्यूट्रिएंट इमल्शन फॉर्म में रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी स्मॉल वॉल्यूम में एसेंशियल नहीं होती और लार्ज वॉल्यूम में जरूरी होता है करना, ठीक है। सो एंड द लास्ट वन इज पायरोजेनिसिटी, पायरोजेनिसिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको फर्स्ट पॉइंट में, पायरोजेन क्या होता है? पायरोजेन आर दोज सब्सटेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम एंड दे कॉज द एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर इन द पेशेंट बॉडी, ठीक है। अगर पायरोजेन गलती से भी चला गया पेशेंट की बॉडी में तो वो टेम्परेचर राइज कर देंगे और फीवर कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। दैट्स व्हाई हम पेरेंट्रल्स में पायरोजन टेस्ट करते हैं। क्यों पायरोजन टेस्ट करते हैं? क्योंकि हम इसमें चेक करते हैं कि पायरोजन है कि नहीं, पायरोजन आर दी लिपोपोलीसेक्राइड, अगेन एक क्वेश्चन है लिपोपोलीसेक्राइड पूछ सकते हैं पायरोजन किस तरह का है, तो हम बताएंगे लिपोपोलीसेक्राइड स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल में एसेंशियल नहीं होता और लार्ज वॉल्यूम में मस्ट होता है। सो स्टूडेंट्स दीज आर दी सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, आई होप You like this, so stay connected with Pharmacy India and thanks for watching.